बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज आपसे बात करेंगे हम दो ऐसी अमेजिंग नेचुरल चीज़ों पे जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इनके बहुत से फ़वाद हैं। अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी एक ऐसी ट्रेडिशनल स्पाइस है जो खाने में भी इस्तेमाल होती है, दवा में भी इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रियल मार्केट में भी इस्तेमाल होती है। ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, एक ऐसा स्पाइस है, एक ऐसा मसाला है जो फवाइद से भरा हुआ है। मैं ऑनलाइन देख रही थी कि सबसे ज़्यादा जो मैंने कमेंट्स और इन्फॉर्मेशन देखी है किसी भी स्पाइस के बारे में ऑनलाइन, वो हल्दी है। कल हमने जब अपना हमने बात की कि नेचुरल चीज़ें क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, हर्बल चीज़ें क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की फ़ीडबैक और कमेंट्स आए मेरे सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी, तो ये आए कि भाई हल्दी के बारे में बताएं कि हल्दी को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान कहता है हल्दी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको किस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि व्यूअर्स वो आपके जिस्म में सूजन भी कम करती है, साथ में आपकी याददाश्त को भी बेहतर करती है, फिर आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स को भी लड़ती है, अगर आपको दिल के अमराज हैं तो उसको भी मैनेज करती है, डिप्रेशन के मसले में भी आपको हेल्प करती है। और अक्सर जब ज़ख़म वगैरह होते हैं या चोटें वगैरह लगती हैं तो कहते हैं कि भाई हल्दी का इस्तेमाल करें, बट हल्दी को इस्तेमाल कैसे करें, ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर शहद, एवरीबडी नोज़ हनी इज़ माई फेवरेट। सफ़ेद चीनी जिसको अब वाइट पॉइजन का भी नाम दिया जाता है, उसको जितना ज़्यादा हम अवॉइड करें बेहतर है, लेकिन मीठा खाने की हर इंसान को तलब होती है, हर इंसान कहता है कि कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। तो जब हम मीठे की बात करते हैं तो शहद या गुड़ से बेहतर ऑप्शन मेरे ख्याल से कोई नहीं है। पर्सनली अगर मेरे से पूछें तो माई पर्सनल फेवरेट इज़ हनी। अब शहद भी जो ज़ख़म है उनको हील करने में हमारी मदद करता है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का एक पावर हाउस है। आपके अगर निज़ाम हज़म के मसाइल हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, उनको भी हल करता है। गले में अगर ख़राश है तो कहते हैं कि शहद का एक चम्मच या थोड़ा सा बच्चे को शहद चटा दो। सो आज हम बात करेंगे शहद पे और हल्दी पे। बिकॉज आज मैं आपको भी बताऊंगी, खुद भी बताऊंगी कि क्या क्या ऐसे टोटके हैं जिनको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। जैसे कि हल्दी और शहद की एक चाय है, जब भी मेरे गले में वो जो आपको पता है एक अजीब सी खराश हो रही होती है, इचिंग जैसी हो रही होती है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपके लिए जनरली भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके साथ हल्दी वाले दूध की अक्सर बात की जाती है, लेकिन प्योर हल्दी और दूध को अगर यूज़ करें तो उसका जायका थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, फेस पैक भी बताऊँगी, हल्दी और शहद दोनों मिला के। फिर अगर आपको दाने हैं बहुत ज़्यादा स्किन पे, एक्नी के इश्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड भी गाइडेंस दूंगी। टर्मेरिक और हनी का एक सुपर बूस्टर है, जो अगर आप डेली एक चम्मच ले लें, एक टेबल स्पून ले लें सुबह को, तो उससे भी आपको बहुत से मसाइल से छुटकारा मिल जाता है, सीजनल एलर्जीज से भी आपको हल मिल जाता है। अगर किचन की बात करें व्यूअर्स, तो ये तो मैंने अपना एक काउंटर सेट कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन इस पर बात हम बाद में करेंगे। फिर शेफ़ मुनीरा ने हमें ज्वाइन किया है, आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम मिस मनीर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुनीरा, आज हम हल्दी और शहद से रिलेटेड बनाएंगे, जो भी बनाएंगे तो आप हमें, क्योंकि देखिए हल्दी तो एज अ शेफ आप जानती ही हैं कि हमारे देसी खानों में ऑलमोस्ट हर चीज़ में इस्तेमाल होती बिल्कुल है। बिल्कुल, हल्दी तो मैं कहती हूँ कि एंटी ऐसी है कि आप ये दवाई के तौर पे यूज़ करते हैं कि अगर ज़ख़म भी हो तो उस पर भी आप हल्दी लगा दें। आज मैं बनाने जा रही हूँ, आपको मालूम है कि सर्दियों का सीज़न है, आप हलवे बहुत खाते हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ मोस्टली सर्दियों में एक सौगात होती है कि आप पंजीरी भी बहुत बनाते हैं। हाँ जी। खास तौर पे जो जो प्रेग्नेंट या जो जो डिलीवरी एक्सपेक्टेंट होती है या जो भी फीड करा रही होती हैं, उनके लिए बहुत ये एक मैं कहती हूँ ज़बरदस्त ये रेसिपी इसमें लेकर आई हूँ, जिसमें मैं पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी, जिसमें बिल्कुल घी होगा, हल्दी होगा, सूजी होगी और बाकी आपकी चार गूंद होंगे, साथ में आपके नट्स होंगे, इससे मिलकर बनाऊँगी। तो आज हम बना रहे हैं हल्दी वाली पंजीरी और साथ में मैं बनाऊंगी हनी के साथ मिलाकर, हनी विंग्स सेसमी के साथ, उसमें भी अगेन हल्दी के साथ में इसको बॉईल करूंगी
और उसको फ्लेवर दूंगी हल्दी का और हनी के साथ इसका हम फ्लेवरिंग करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात, जिन खवातीन का स्पेशली सिजेरियन हुआ होता है, सी सेक्शन हुआ होता है, वो हल्दी का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे भी रिकवरी में मदद होती है। बट ऑफकोर्स अगर आप एक फीडिंग मदर हैं तो आप जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं याद रखें कि वो आपके बच्चे तक दूध के थ्रू मुंतकिल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना चाहिए। लेकिन हेल्दी ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ हमारा जितना ज़्यादा व्यूअर्स रुझान होगा उतना बेहतर है, उतना बेहतर है। जैसे कि अभी आप हल्दी वाले दूध के बारे में बता रही हैं, तो आज से अगर मतलब मेरे से मेरी मदर हैं और जो मेरी बड़ी सिस्टर वगैरह थी, तो जब वो फ्री होती थी एक्सपेक्टिंग के बाद, तो उनको कहा जाता था हल्दी वाला दूध, तो हम आप कहते हैं काढ़ा, इसका नाम काढ़ा होता था, इसको काढ़े के तौर पे बनाते थे। इसका तरीका ये होता था कि इसके इलायची में देसी घी एक चम्मच लेते थे, इलायची इसमें हम हल्का सा सौते करते थे, उसमें हम हल्दी ऐड करते थे, एक अंडा लेके उसको खूब फेंट के वो ऐड करके फिर उसमें हम दूध और हल्दी मिक्स कर देते थे। ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अंडे वाली चीज तो मेरे से नहीं हैंडल होती, बट वही वाली चीज है कि इसीलिए आज मैंने भी आपके लिए घर पे, जब मैं कभी देखें बहुत ज्यादा जब नहीं आपके पास टाइम होता कुछ करने का, और प्योर हल्दी और दूध अगर आपसे नहीं भी कंज्यूम किया जाता, तो वही वाली चीज जो हनी है, हम सब की एक फेवरेट मीठा, तो आप हनी को अगर उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और रात को पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप लैक्टोस इनटॉलरेंट हैं तो उससे रिलेटेड एक मेरे पास टी भी है जिसमें आप दूध नहीं डालते, क्योंकि बहुत से लोगों को दूध से एलर्जी होती है, और स्पेशली अगर रात को दूध पिए तो फिर उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। बिकॉज देखें, जो हम बातें बताते हैं वो एक जनरल जेनेरिक चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा कि अपने हिसाब से आपने चीज़ को ले कर चलना है। जैसे कि नींबू का रस जो है, मैं अगर अपनी स्किन पे लगाऊं तो मुझे उससे रिएक्शन हो जाती है, ग्रेप फ्रूट से मुझे रिएक्शन हो जाती है अगर मैं स्किन के ऊपर उसको लगाऊं, बट बहुत से लोग लगाते हैं, उनको बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है, मुझे बहुत सूट करता है, ठीक है ना? तो अब हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट है। अब आपको पता है कि आपको एक चीज नहीं सूट करती, लेकिन आप फिर भी उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल दें जो आपने टीवी पे देखा है, तो थोड़ा सा इस चीज का एहतियात किया करें व्यूअर्स, कि अपनी बॉडी और अपने हिसाब से जो आपको चीजें नहीं सूट करती फिर वो वाला टोटका मत ट्राई किया करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट से, उनसे हम गाइडेंस लेंगे, शहद और हल्दी की अफादियत पे भी बात करेंगे और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं ये भी जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हल्दी वाले दूध की जो हम बात कर रहे थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि उसमें अगर हम बादाम और थोड़े से बेशक गिरी डालें तो उससे भी बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो जाता है, बट वो एक स्पेशल किस्म का काढ़ा होता है जो मतलब पीना चाहिए चिल्ले के अंदर और उसके अलावा अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, अगेन अगर आपको दूध मना नहीं है तो बहुत ही सिंपल है जो मैं बनाती हूँ घर पे। ये हमने जैसे देसी घी बिल्कुल थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि देसी घी से बिना बहुत ज़्यादा आपकी डाइजेशन और आपका सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है देसी घी, और इसको थोड़ा सा हम वॉर्म कर लेंगे। इसमें मैं डाल दूँगी इलायचियाँ, ठीक है, वो जिसको इलायची को थोड़ा सा हम काटते नहीं है, हम उसको थोड़ा सा वो क्या करते हैं कड़कड़ाते हैं। अगर आप इसको पीस लें पाउडर फॉर्म में भी रख लें तो भी वो, हाँ मैंने पाउडर तो रखा हुआ है, बट फ्रेश प्लीज इलायची। आजकल हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा होता है कि हम चीजों को लेके ना उसको मतलब डब्बों में जाकर लेते हैं, थोड़ा सा उसका जायका वो वाला नहीं आता, कि हल्दी का फ्लेवर बड़ा स्ट्रांग होता है, तो फिर आप इलायची को पीस लेना तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा मिलके हो जाता है और बैलेंस में आ जाता है। सो अब थोड़ा सा इसको हमने कड़कड़ा लिया, उसके बाद मैं तो खैर हल्दी पहले ही डाल देती हूँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि जी पहले उसको डालने की जरूरत नहीं होती, आप बाद में भी डाल सकते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों इतनी आदत है वो मसालों को, बड़ा अच्छा था दूध के ऊपर, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है बिल्कुल। सो कच्चापना खत्म हो जाता है उसका, कच्चापन खत्म हो जाता है बिल्कुल, है ना। आपने अपना दूध इसमें डाल लिया और आपने उसको एक बॉयल जो है ना, ये देखे ना इतना एक खूबसूरत सा ये एक येलो कलर इसका आ जाता है, और इस येलो कलर और यही तो है वो जो गोल्डन एक अमेजिंग सी
क्या कहूँ इसको, बल्कि मेरा ख्याल है जुगन जितनी अच्छी आपने ये सिंपल रेसिपी बताई है, अगर ये डेली बेसिस पे जो जो बच्चे खेलने वाले हैं ग्रोइंग एज के हैं और जिनको रात का खाना स्किप करते हैं वो रात को भी इसको पी कर सोएं तो ये बहुत ज़बरदस्त है भाई। मेरी तो यही रिकमेंडेशन होती है, स्पेशली जो बच्चे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। आप देखिए, एक चम्मच मैंने इसमें शहद का डाल के इसमें डाल दिया है। शहद को कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा जब आप शहद को लोग पकाना शुरू कर देते हैं चीज़ों में डाल के, अगर आप ऊपर से डालें तो पोर करें तो वो बेहतर होता है। आपने अपनी इस दूध को लिटरली एक उबाला देना है और जब इसको एक बॉयल आ जाएगा तो आपने अपनी हनी के ऊपर उसको पोर कर दिया, उसको मिक्स किया और पी लिया। अगर पिस्ते बादाम मेवा, और स्पेशली अगर लोगों का गला वगैरह ख़राब होता है ना, लोग कहते हैं कि वो पिस्ते बादाम वगैरह गले में चुभते हैं, सो जो सबसे सिंपल तरीका है, देखिए हल्दी भी लोगों के घर में होती है, दूध भी होता है, यूजुअली घर में शहद होती है, शहद नहीं तो गुड़, दोनों में से कोई ऑल्टरनेटिव्स होते ही होते हैं। तो आप सिंपल सिंपल चीज़ें करें ताकि ज़िंदगी भी आसान हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की तरफ। और नट्स में ज़्यादा अगर आप बादाम वगैरह नहीं ऐड करते तो आप गिरी, बिल्कुल सिंपल और बड़ी इकोनॉमिकल इसकी प्राइस है, आप इसको पीसी गिरी एक चम्मच वो साथ ऐड कर लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। कि अगर गले में आपके खराश है ना तो फिर नट्स वट्स कोई भी चीज़ डालें तो उससे होता है, क्योंकि अगर हमने प्योर बेनिफिट लेना है फ्रॉम हनी एंड फ्रॉम हल्दी तो वो बेहतरीन तरीका उसका ये है। अब ये देखें, हमने गर्म गर्म जो ये दूध है, प्यारा कलर आया, ये देखें, ये सिर्फ आप जब हल्का सा डालेंगे तभी ये कलर आएगा, वरना जैसे आपने पहले बताया कि अगर आप ऊपर से ऐड करेंगे तो उसका कच्चा पना रहेगा, ऊपर से वो मिक्स भी नहीं अच्छी तरह से होगा। मैं चाहूँगी कि अगर हम ये दिखा सकते हैं तो हम ज़रूर इसको दिखाएं। ये देखिए ना, एक बहुत ही एक अमेजिंग सा और एक्चुअली मिक्स्ड है और बहुत, एंड मैं आपको चख के दिखा देती हूँ, मतलब कुछ चुभने वाला गले में या कुछ टाइप का नहीं है। सो हल्का सा अगर हम उसको वो कर लेते हैं, सो ये आप हल्दी वाला दूध पिए, आपको अक्सर गले में प्रॉब्लम होती है। हम चलते हैं अपने मेन स्टेज की तरफ, टू आवर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। पियूष, जब अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सबसे पहले बात करूंगी डॉक्टर मासूमा ज़हरा की। हर्बलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की भी स्पेशलिस्ट हैं, TCM स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ बैठी हैं साइमा यूसुफ साहिबा, शी इज़ अ हर्बलिस्ट, शी इज़ अ ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज हैं व्यूअर्स सब अपने फ्रेंड्स को, जो हमारी एक हर्बल कम्युनिटी है उसको हमने आज बुलाया है, क्योंकि हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल होता है कि देखें सब एक्चुअली एक ही बात पुश कर रहे हैं, तो हम कम्युनली चाहते हैं कि हर इंसान सेहत की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्रिया, लुकिंग लवली एज़ यूजुअल। You too. And then of course, Dr. Aisha Nasir के बगैर हमारा प्रोग्राम कैसे कंटिन्यू कर सकता है? So brilliant nutritionist and a lifestyle coach as well. Assalam alaikum. Assalam, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तरफ आऊंगी लेकिन जरा यहाँ पे बात शुरू करते हैं कि सुबह ये बताइए कि हल्दी, पहले हल्दी पे बात करते हैं फिर शहद की तरफ जाएंगे, हल्दी के बारे में क्या कहें? हल्दी एक वो स्पाइस है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी माइक्रोबियल रखता है अपने अंदर, और फिर ये कैंसर को फाइट करने में, कैंसर से प्रिवेंशन में भी बहुत बड़ा हाथ रखता है। तो हल्दी बेसिकली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी, इसीलिए एशियन हमारी कुकिंग के अंदर हल्दी का इस्तेमाल या स्पाइसेस का जब इस्तेमाल होता था ना, तो वो एक हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होता था। मज़ा तो वो हम लेते हैं उसका, लेकिन उसके अपने जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे आजकल स्मॉग का मौसम है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है सबसे बड़ी, कि आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखता है, और मुख्तलिफ बेनिफिट्स तो उसके हैं ही, जिसमें हर बीमारी का, ऑलमोस्ट हर बीमारी में ये इस्तेमाल होता है, गले से ले के, गट से ले के, और सुपरफिशियल वूंड्स तक ये इस्तेमाल होता है। जी सामी जी, हल्दी के बारे में क्या कहेंगी इवन एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, देर इज़ लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट, देर इज़ फॉर स्किन, फॉर योर हेयर। मतलब मुझे, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो चीज़ें आपको खाने में हेल्प करती हैं वही आपको लगाने में भी हेल्प करती हैं। तो खाना और लगाना अगर आप अपना सेम सेम कर लें तो आपकी इनर आउटर दोनों हेल्थ बहुत बेस्ट हो जाती है। बिल्कुल, और जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ, नेचर की तरफ वापस जाएंगे व्यूअर्स, उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि आप उसको उस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं जिसका वो हमेशा से हिस्सा थी। जी, हल्दी। पुराने ज़माने में जब जंगजुओं को चोट लगती थी तो उस पर हल्दी का लेप किया जाता था, इतना अच्छा एंटीसेप्टिक है,
फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में हमें हेल्प करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? ये मैंने भी बात कहा शुरू में, लेकिन व्हाट इज अ फ्री रेडिकल? हम हमारे बॉडी के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस डेली हो रहे हैं, जैसे हम सब्जी भी खाते हैं ना, इवन हम खाना खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उसके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट होती है उसमें फ्री रेडिकल्स भी कहीं ना कहीं होते हैं। अब वो फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे तो कैंसर, डायबिटीज़ या बहुत सारी बीमारियों की वो वजह बन सकते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को अपने साथ ये यूँ जोड़ के बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है हमें, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाती है। एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी के अंदर जहरीला मवाद है उसको खारिज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। जब कोविड आया था तो बहुत मशहूर हुआ था जी हल्दी से कोविड का इलाज करें। हल्दी में कोविड का इलाज या किसी बीमारी का एज सच इलाज नहीं है, लेकिन ये हेल्प इतना अच्छा करती है कि हम लोग इसको बहुत सारी बीमारियों का इलाज समझते हैं। सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब हम शहद के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि शहद के क्या बेनिफिट्स हैं और शहद को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मैंने बड़ी जगह पर पढ़ा है कि शहद को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ायदा जो उसके सारी अफादियत होती है वो ज़ाया हो जाती है, उसके वो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो और कैसे पता चलेगा कि शहद जेन्युइन भी है कि नहीं? आजकल आप शहद खरीदते हो महीने के बाद अगर उस शहर को देखो तो उसके अंदर अजीब चीनी चीनी के जर्रे आ जाते हैं, तो हाउ कैन यू टेल कि शहद जेन्युइन है कि नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। टेंशन ना लें, हम अभी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ के हमें क्या फ़वाद हैं। कल बहुत ज़्यादा आप लोगों की फीडबैक आई कि भाई हल्दी के बारे में बताएं, शहद के बारे में बताएं। हर दूसरे बंदे ने ना जो अपनी लिस्ट भेजी कि इन इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करनी है, उसमें या हल्दी या शहद ज़रूर इंक्लूड था। अब शहद के क्या फ़वाद हैं और उसका तरीका क्या है? शहद अगेन एंटीऑक्सीडेंट है, शहद एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, शहद जो है जलने में कटने में बहुत अच्छा असर देता है। अगर हाथ जल गया आप शहद लगाओ वो ठीक हो जाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहद पहचाना कैसे जाए कि वो हाँ, ये बहुत आसान तरीका है। जो ओरिजिनल शहद होगा उसकी पहचान ये कि जब आप उसको सूंघेंगे तो आपका गला खुश्क होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी पहचान है शहद की। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ आता, कभी होता है ना यार नहीं समझ आ रहा सूंघने से गला खुश्क हो रहा है या नहीं हो रहा, तो माचिस की तीली का बैग लेके या किसी भी लकड़ी का बैग लेके शहद को लगा के आप आग लगाओगे, अगर वो आग लगने के बाद वो टपक रहा है तो वो चीनी के साथ है, और अगर वो नहीं टपक रहा तो वो चीनी के बगैर ओरिजिनल शहद है। ये बहुत आसान पहचान है इसकी। अमेजिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, कुछ कन्फ्यूजन में ही रहते हैं हम हमेशा। शहद के बारे में क्या कहेंगे और आप कितना यूज़ करती हैं ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हनी को? शहद जी मेरी तो बहुत फेवरेट चीज़ है, और मैं हमेशा जहाँ भी ट्रेवल भी करूँ तो पहले शहद कलेक्ट कर रही होती हूँ कि जिधर जिधर भी जाऊँ तो मुझे अच्छा शहद मिले और वहाँ से इकट्ठा करूँ। बिकॉज शहद मैंने अपने बच्चों की रूटीन लाइफ के अंदर उन्हें डेली रूटीन में जिस तरह होता है तो वो उन्हें शहद का इंटेक ज़रूर कराया। भाई मैं भी दलिया जब बनाती हूँ बच्चों को, मैं कहती हूँ कि भाई हफ्ते में दो दफ़ा आपने दलिया खाना ही खाना है, चाहे रोएं चाहे पिटें चाहे तमाशा डालें। उस दलिए में, उस जौ के दलिए में हम पिस्ते बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें, एक केला भी मैश कट के डालते हैं, मेवा जात सारे डालते हैं, और चीनी नहीं डालते हम उसमें, एक चम्मच शहद डालते हैं, बल्कि चम्मच भी पूरा नहीं डालना पड़ता, बिकॉज जब आप केला मैश करके डाल देते हैं तो वैसे ही बड़ा मीठा हो जाता है। सो शहद इस तरह मैं भी डेली लाइफ में बच्चों को किसी ना किसी तरीके से खिलाती ज़रूर हूँ। आप देखें ना, हमारे कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम कहते हैं पता नहीं आज हम अभी अकले कुल हम ही, यही जो दौर जा रहा है ना, यही सबसे पढ़ा लिखा है, यही सबसे समझदार। पुराने ट्रेडिशन हमारी माएँ दादियों पर दादियों से हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, बच्चे को जो घुट्टी दी जाती थी पहली वो तो वो उसको शहद चटाया जाता था, तो वाई लाइक क्यों उसकी पहली स्ट्रेंथ जो अंदर जाए वही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी पहली गजा वो, क्योंकि शहद ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल प्योर खालिस और हर चीज़ से। इसमें ये सबसे फ़ायदा है कि जब बच्चे को चटाया जाता है, अब यहाँ पे थोड़े से
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है कि जी शहद नहीं देना, साल आपने शहद नहीं देना, वो सिर्फ शायद इसलिए कि देखिए शहद ओरिजिनल मिलना मुश्किल हो गया है, इसके अंदर शहद का कसूर नहीं है, मिलने का कसूर ज़रूर है। तो लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल शहद है तो वो लाजमी पहली घुट्टी इसलिए देनी चाहिए कि वो गट को क्लियर करता है। तो बच्चे के जो वो मोशन 2-3 दिन में उसका गट क्लियर होता है, वो 1-2 घंटे के अंदर उसकी सफाई हो जाती है, इसलिए शहद ज़रूरी है। अब सिर्फ पॉइंट ये कि ओरिजिनल शहद है तो फिर दें, और छोटी मक्खी का हो तो वो ज़्यादा बेहतर। सही जी मैम, आप बात कंप्लीट कर रही थी जी। तो जो लाइक मैंने अपने खैर बच्चों की रूटीन में मैंने तो वो मेरे बच्चे समटाइम कहते होते हैं अम्मी आपके पास दुनिया की सारी चीज़ों का इलाज तेल में और घर की चीज़ों में, और मैं बिकॉज मैं बहुत डॉक्टर्स पे बच्चों को बी ऑनेस्ट नहीं लेकर गई, और ना ही 2 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, तो उनको मैंने इसी तरह से ग्रोन अप किया। बड़ा अभी तक यही सीन होता है कि अच्छा अगर गला ख़राब हो जाए शहद और जिंजर मिक्स करके, जिंजर का जूस बना के शहद करके दे दो। बच्चों को चोरी भी दे दिया करती थी, बेटा मेरा खा लेता था, बेटी जो है वो ज़रा मतलब इस बात में, तो उनको स्मूदीज़ में डाल के दे दिया, शेक में डाल के दे दिया, जिस चीज़ में मुझे लगा कि इनको खिलाना चाहिए, स्पेशली क्योंकि वो हमारी अगली नस्ल है, उसको स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है जंक पेन चीज़ों, और ये माओं का काम है कि वो उनको लेके आए। तो ये शहद और जो टॉपिक आपने बड़ा प्यारा पकड़ा है, और असल में ना हम जनरल बात करते हैं, जैसे हमने सोचा था कि हमने अब अगर बात करनी है यू नो हर्बल एंड नेचुरल चीज़ों पे, तो फिर स्पेसिफिक्स पे बात करें ताकि एटलीस्ट टोटली एक चीज़ कवर तो हो पाए ना जी। आप क्या कहेंगी शहद के बारे में? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर कभी आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा होता है किसी भी वजह से, हम किचन में काम कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, जी सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, आप शहद का एक चम्मच ले लें, वैसे तो ये गलत प्रैक्टिस है कि आपने सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि आप किसी वजह से कुछ खा नहीं पाते या आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है मीठे का यानी चीनी का, और जितने हमारे पास जो मीठे की क्रेविंग वाले शिकार अफराद हैं उनके लिए बहुत अच्छा मीठे का ऑल्टरनेटिव है। हेल्दी डिज़र्ट्स के तौर पे हेल्दी डिज़र्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी में अगर कोई सोजिश हुई हुई है किसी भी वजह से, चोट लगी हुई है या वैसे बॉडी के अंदर किसी बीमारी, जैसे एथराइटिस हमारे पास एक बहुत पेनफुल बीमारी आ जाती है, उसमें भी शहद एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा लेकिन ख़त्म करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अमेजिंग। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइमा जी की टिप्स एंड ट्रिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि रात को अपनी जो एंटी एलर्जी है, क्योंकि लाहौर में स्मॉग इतनी ज़्यादा है, मैंने नहीं ली तो मेरे गले में ना बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत ड्राई हो रहा है मेरा गला, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो जो एक अदरक और हल्दी और शहद की चाय होती है वो अभी आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं तब तक अपने अदरक को छील लेती हूँ, आप बताइए कि आज आप हमें क्या बता रही हैं। आज आपको मैं बड़ी डिफरेंट चीज़ बता रही हूँ जो शायद पता नहीं पहले आपने सुना है नहीं सुना है। तो हम सारी जगहों को, फेस को, बॉडी को स्क्रबिंग करते हैं ज़रूरी, और आपको पता कितना ज़रूरी है सबके लिए, और क्योंकि जो स्किन के ऊपर एक लेयर होती है, जो सीबम होता है, हमारे डर्ट होती है, वो जमी होती है, जमी जाती है सर के ऊपर, और फिर उसकी वजह से इतने आपके एक पैच बन जाता है सर के ऊपर कि जब भी बाल वॉश करते हो वो पैच जो है ना वही रहता है। उसमें आपके डैंड्रफ इशू हो जाते हैं, उसमें आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बालों के जो क्यूटिकल है वो ख़राब होना शुरू, फिर ड्राई डैमेज, वो तो नीचे वाला पार्ट है ना, वो तो फिर होता ही है। तो फॉर द ऑल लाइक स्कैल्प की जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, उसको आपको किस तरह से प्रॉपर वाला क्लीन करना है और उस तरह से उसको एक्सफोलिएट करना है, ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो प्रॉपर बढ़ाना है। बिल्कुल। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं जी, तो ये एक हेयर स्क्रब हुआ, हेयर स्क्रब हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंगे ब्राउन शुगर, मैं अपनी अदरक की चाय का सामान तैयार कर लूँ ना, तुसी आराम ना, तुसी आराम ना लगना लग रहा अदरक को छीलने में। हाँ जी, अच्छा, ब्राउन शुगर 1 टीस्पून ले लें, टेबल स्पून जितना आपको बनाना है, जितना जिसके वो है, और जैसे मेरा ना यहाँ पे एक पैच बन जाता है ग्रीसी, आप पूरे बालों में लगाएं ना, पूरे स्कैल्प पे लगाएं, ठीक है। हाँ ठीक है, और इस पोर्शन पे आप थोड़ा रब ज़्यादा कर लें, ठीक है। अच्छा,
टीस्पून ही मैंने सॉल्ट ले लिया है, ठीक है। उसके अंदर एक चम्मच जो है वो मैं ऑयल का डालूंगी, ठीक है। सारी कौन सा ऑयल जो ऑयल सूट करे, जो आपको सूट करे, सरसों का ले लें, कोकोनट ले लें, ऑलिव मैं कम बोलती हूँ क्योंकि हमारे कंट्री का ज़रा वेदर और है तो बालों में ऑलिव ऑयल हमें उस तरह सूट नहीं करता, ठीक है। तो आलमंड ऑयल ले लें, मतलब जो आपको सूट करता है ऑयल, सब जो आपको खालिस मिल जाए। अच्छा, उसके साथ हम ये चम्मच चेंज करेंगे फॉर हनी, घी वाला तेल हो गया। अच्छा अच्छा, ये हनी हमने डाल दिया और फिर ये हमने ये जुगन का काम है मिक्सिंग करना। हाँ, मैं मुझे बदीनी कामों पे आप लोग लगाई रखे। नहीं, ये आपका फेवरेट काम है। हाँ, फेवरेट काम है, मतलब कुछ लगता तो है ना, कुछ कर रही हूँ। हाँ, और एक ही टीस्पून इसमें एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका डाल दिया। सिरका हमने डाला और ये बड़ी मज़े की एक मीडियम सी पेस्ट बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसको आपने जैसे बालों को खोल के पूरी उनके पार्टीशन करके अंदर, जैसे पहले तेल लगाते हैं ना वो अंदर बिलियां ना लाना, हाँ जी, तो वो वाला आप प्रॉपर अंदर लगा के उसके बाद इसको सर्कुलर मोशन में आप स्क्रबिंग करते जाएंगे, ठीक है। 5-10 मिनट्स आप आराम रहे, नहीं रगड़े दे दो, अगले भी बाल ले जाओ। बिल्कुल, जितने रह गए हैं वो भी वो भी चल जाए। तो उसको जेंटल आप उसको बड़ा मसाज कर दे। और बाय द वे, ये मिनट आपको एक कप बना के लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज इनफ, ये जितना है। हाँ, जितना ये है, एक स्कैल्प को आपके को कवर कर जाएगा, काफी है। हाँ। अच्छा, ये मेल जरूर लगाएं, फीमेल्स तो लगाएं, मेल जरूर लगाएं, क्योंकि इतना ज्यादा बाहर घूमना फिरना होता उन्होंने है। होता है, उनका पसीना जब आता है, पसीने के बाद ड्राई आप ठंड में आते हो तो वो जो ऑयल्स होते हैं ना वो वहीं जम जाते हैं, आपकी प्रॉपर क्लीन नहीं होता। अच्छा, इसकी जो बेस्ट बात है, इसमें सारी चीजें जो भी यूज हुई है ना जुगन, और इसमें हल्दी भी डलती है, वो हल्दी आप जरूर डाल ले, क्योंकि जिनको डैंड्रफ का इशू है और जिनके सर पे जख्म बन जाते जैसे हैं, वो डैंड्रफ से बनते हैं। डैंड्रफ से खास तौर पे वो जब छिलते हैं तो जिनकी ये पैची हो जाती है, जैसे कि हमने एक चुटकी हल्दी की लेके डाल दी, आप आधा चम्मच डाल दें, आधा चम्मच डाल दें, दैट्स आल्सो गुड, तो वो आपकी एक आपकी वो फिर उस तरह से आपको। अच्छा, और इसको आप एक महीने तक रख सकते हैं किसी भी बंद बोतल में क्वांटिटी बढ़ा दें, एक एक कप बना के रख लें, आधा आधा कप, 1/4 कप, जो भी आपकी क्वांटिटी आपने करनी है, बना के आप रखना है, बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ जी, ये सारी चीजें वो वाली मैंने आपको बताई हैं जो कि कोई खराब होने वाली नहीं है और ना ही ये आपका कोई एक्सपायर होगा। अच्छा, मुझे अब स्क्रब की बात करें तो लिप स्क्रब का बताएं, अक्सर लोग कहते हैं होंठ काले हो रहे हैं या डार्क हो रहे हैं, उसका क्या हल है? अच्छा, उसमें आपने अगेन यू हैव टू टेक, आप एक चम्मच जो है ये भी आप बना के रख सकते हैं, एक महीना आपका आराम से इससे भी निकल जाएगा। आपने चीनी ले लिए, फिर आप ब्राउन शुगर आइडियली, और बहुत मोटे ग्रेन्स वाली ना हो, right? हाँ, अगर हो तो उसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, बहुत पाउडर नहीं करें। इसमें आप एक चम्मच जो है वो शहद का ऐड कर लें, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी थिक होनी चाहिए, और इसमें थोड़ा सा एक पिंच जो है वो अगर काले लिप्स का इशू आता है तो मीठा सोडा डाल लें, ठीक है, जस्ट एक चुटकी मैंने डाली है। अच्छा, क्योंकि ये लिप स्क्रब जो है ना ये थोड़ा सा वो होता है, और इसमें आधा टीस्पून जो है वो हमने डाला है ऑयल का। ऑयल का, ठीक है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, शिया बटर अगर अवेलेबल है वो डालें, वरना कोकोनट ऑयल भी डालें, दैट्स आल्सो गुड। असल में मैं जो अपने जो मेरी प्रोडक्ट लाइन है नूर की, नूर बाय जुगन काजम, तो वो उसके अंदर भी ना लिप स्क्रब जो है मैं अब इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ, क्योंकि इतना लोग कंप्लेन करते हैं होंठों के बारे में, और जबकि इतना सिंपल तरीका है, आप घर पे खुद बना सकते हैं, इस तरह की एक पेस्ट जैसी बन जाती है, बना के एक महीने के लिए आप किसी भी डब्बी पुरानी में वो उसको क्लीन करके रखते हैं। अभी तो मौसम भी सर्दियाँ हैं, कोई ऐसी खराबी वाली चीज़ें, और इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसमें कुछ भी खराब होने वाला। अच्छा, नहीं है। कोई जल्दी से एक और कोई हमारी अगर टिप आप हमें अगली हम आपके साथ कर देते हैं। देर इज ये मेरा वाटर है। अच्छा जी, इसमें आपको फेस मिस्ट बता देती हूँ मैं, टोनर भी जिसको हम टोनर भी कहते हैं। ये आपने एक कप, मैंने इसको थोड़ा ही लिया है, एक कप पानी ले लीजिए, उसके अंदर आप 2 पिंच सिर्फ हल्दी के डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, और ये जो सेब का सिरका है गया, हाँ। ये आपने एक
टेबल स्पून डाल दीजिए, मैंने थोड़ा बना रही हूँ तो कम वो कर रही हूँ। और इसमें आपने अगेन यू हैव टू पुट बेकिंग सोडा, ठीक है, दो चुटकियाँ ये डाल दें। और एसेंशियल ऑयल जो भी आपको, एलोवेरा या कोई भी, हाँ जी इसमें ये एलोवेरा मिस कर दिया मैंने, आपको पता है मैं हूँ ना आपके साथ, आप मेरा पार्टनर है, आपका पार्टनर हूँ। एलोवेरा आप ग्राइंड करके डालें, मेरे पास इस वक्त प्यूरी में नहीं है। आप अगर हम इसको ऐसे करके ना, ये देखें जैसे इसकी जेल जो है वो जेल फॉर्म में ना वो निकल आती है, सो द पॉइंट इज अगर आप इसको इसके अंदर इस तरह करके इसकी जेल भी डाल देते हैं ना तो आपको उसका वही मिल जाता है बेनिफिट। आप ये डाल दें अगर इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ी देर इसको सोक भी होने देंगे तो इसकी अफादियत, ये पड़ा रहेगा ये महीना आप आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए ना, ये हमने अगर बना भी लिया और हमने इसको शावर बॉटल में डाल दिया ना, तो शावर बॉटल में उसमें निकलना उतना ही है, मतलब उसमें से कोई उसके जर्रे नहीं निकलेंगे, हाँ, तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो हाँ, आप शेक कर लें अगर पहले मैंने, मतलब अगर आप उसकी प्यूरी बना के रख लें। और ये जो है हमने इसको, और बेशक इसमें अगर जेल के पीसेस चले भी जाते हैं तो इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि व्यूअर्स ये शावर बॉटल है, ये आपने इसको इस तरह करके बंद किया, आराम से मार्केट में अवेलेबल है और बड़े आराम से ये आपने शेक किया हर बार यूज करने से पहले और ये आपकी मिस तैयार हो गई। यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर आयशा और मैं अभी ये डिस्कस कर रहे थे गले की खराश की, तो भाई अपने लिए अगर मैंने एक चीज़ बनानी है ब्रेक में तो वो मैं ऑन एयर ही आपको दिखा देती हूँ। तो डॉक्टर साहब, माय वे ऑफ मेकिंग, हर बंदे का अपना एक कहवा होता है जो वो इस्तेमाल करते हैं। अदरक का एक इंच का अगर आप पीस ले लेते हैं, इसको मैंने छील दिया है और दो कप पानी मैंने अपने इस सॉस पैन में डाल दिया है। इसके अंदर हम अदरक के दो पीस डाल देंगे, ये बॉयल होएगा, इसको हम बॉयल होने देंगे कोई इतना कि जो इसके दो कप पानी है वो एक कप बन जाए, राइट। उसके अंदर फिर हाफ टी स्पून अगर आप हल्दी डाल देते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा आपको हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो एक पिंच हल्दी से भी आपको बड़ा अच्छा असर, मतलब जितनी आप हैंडल कर सकते हैं, ज़रा छोटे बच्चों को ज़्यादा हल्दी डाल दो तो एकदम से ना करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक टी स्पून जो है वो लेमन जूस का डालूँगी, ठीक है। एक टीस्पून हमने लेमन जूस डाल दिया और फिर हम इसको बॉईल होने देंगे, लेट इट कुक। जब एक दफ़ा बॉईल हो जाएगा तो जिस भी मग में आपने इसको सर्व करना है उसमें आपने इसी तरह, जिस तरह मैंने हमारा जो टर्मरिक मिल्क था उसी तरह एक चम्मच इस तरह मैंने शहद इसमें डाल दिया, और जब ये हमारा बॉईल होके रेडी हो जाएगा तो हमारा हल्दी वाला जिंजर वाला जो, क्योंकि मेरा जब मैं थिएटर और एक्टिंग वगैरह करती थी ना व्यूअर्स, तो हम लोग थिएटर में ये होता है कि आपने इतनी ज़्यादा अपनी आवाज़ का इस्तेमाल होता है करना होता है, आपका गला बैठ जाता है और अक्सर गले में दर्द भी बहुत होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही सूदिंग चीज़ है व्यूअर्स, आई कांट टेल यू कि मेरी जान इस चीज़ ने, कोई लॉजेंजेस, कोई गोलियाँ, कोई इस तरह की चीज़ से मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे इससे मिला है। क्या कहेंगे डॉक्टर? बिल्कुल, जिंजर इट्सेल्फ बहुत अच्छा है और जब उसके साथ हल्दी शामिल हो जाती है तो हम जानते हैं हल्दी तो वैसे ही गले के लिए बहुत अच्छी है। जिंजर भी मेरे ख्याल में सुपर फूड के अंदर काउंट होना चाहिए, इतने अच्छे इसके फवायद हैं। गले के लिए एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। जब हम जिंजर की बात करते हैं, अगर आप जिंजर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप जिंजर पाउडर भी थोड़ा सा एक पिंच इसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं, हमने पाउडर यूज़ करना, चलो चले हम उधर देखते हैं कि मासूमा क्या कर रही है। मासूमा, आप हमें अभी किस चीज़ से रिलेटेड गाइडेंस देने लगी हैं? जी, आजकल स्मॉग का मौसम है, गले में खिचखिच हर एक का मसला है, तो मैं एक कॉफ सिरप बताने लगी हूँ कि वो आप घर पे बना के रख सकते हैं। कॉफ सिरप, हाँ, ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जिसको बहुत शदीद अटैक हुआ है, खांसी है, ज़ुकाम का है, तो वो दिन तीन दिन लेता रहे, वरना डेली बेसिस पे एक चम्मच भी ले लें तो बेस्ट होगा। अब यहाँ पे ले लेंगे जिंजर, अदरक लेंगे, उसको कूट लेंगे अच्छी तरह से, उसका पानी निचोड़ लेंगे, कम अज रस निकाल लेंगे, रस निकाल लें, जितना अदरक का रस हो उतना ही इसके अंदर शहद को ऐड कर लेंगे। हम वज़न ये याद रखें क्योंकि हम ये सिरप बना रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट जितना अदरक होगा उतना शहद डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ अभी आपने लेमन का जिक्र किया, विटामिन सी इसके अंदर बेस्ट है, तो ये आपको फाइटिंग एलिमेंट देता है डिजीज से लड़ने का एक बेहतरीन तरीका। तो एक लीमू, ज़्यादा खट्टा नहीं करना क्योंकि गला आगे ही ख़राब है, ये बना के अगर रख लें, और ये बहुत ईजी, मतलब इसमें तो कोई मुश्किल साइंस है ही नहीं, बस नथिंग एल्स डालनी है इसमें, नहीं इसमें हल्दी नहीं डालनी है,
ठीक है, क्योंकि ये हम सिंपली गले को सही करने के लिए दे रहे हैं। इसके साथ में आपको एक कह लें एनर्जी बॉम्ब्स बनाना सिखाने वाली हूँ, जो आप बना के रख लो और उसके अंदर रोज सुबह उठ के जिस तरह जो कीटो डाइट कर रहे हैं उनको शॉट्स चाहिए, फैट लेना है तो वो कॉफ़ी शॉट्स के बजाय अगर हल्दी के शॉट्स ले लें तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो उनको बेहतरीन सपोर्ट देगा, बेली फैट के लिए बेहतरीन है, अगर शुगर क्रेविंग है उसके लिए बेहतरीन है। और ये सिरप का इस्तेमाल साथ में दिन में एक चम्मच ज़रूर ये पी लें आजकल के मौसम में गर्म पानी के साथ। बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? ओके, मैं अब बता रही थी कि हमने एनर्जी बॉम्ब्स बनाने, एनर्जी बॉम्ब्स। यप, इसमें थोड़ा सा मैसी होगा काम। इसके अंदर हल्दी लेना है आपने, जिंजर पाउडर लेना है, जिंजर वैसे डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप उसको खुद खुश करके और पीस के रखते हैं तो वो पाउडर ज़्यादा बेहतर है। क्यों? अभी जो कह रही थी जिंजर पाउडर, मैं बोतल वाला जिंजर पाउडर तो जिंजर का जायका ही नहीं है उसमें। ये अच्छा, जिंजर पाउडर बनाना कैसे? हमेशा अदरक के स्लाइसेस काट के उसको छांव में सुखाएं, धूप में डायरेक्ट नहीं सुखाना। अभी देखो ना इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है जो खुद बनाया हुआ है। जी तो ठीक है, इसको आपने ले लेना है। अगर लेट सपोज 2 टेबल स्पून ये है हल्दी, तो इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे और इसके साथ देसी घी लेंगे हम। घियो? यप, क्योंकि हम एनर्जी बूस्टर एलिमेंट के लिए बना रहे हैं। साथ में एक और चीज़ जो हम इस सब बात में करें, हल्दी के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्यूरक्यूमिन। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो फैट सॉल्युबल है, तो हल्दी को अगर आप देसी घी के साथ या कोकोनट के साथ मिक्स करके लोगे तो उसके बेस्ट बेनिफिट्स आप ले सकते हो, वरना उतना असर नहीं करती। और हल्दी कभी भी जो क्यूरक्यूमिन है वो ब्लैक पेपर के अलावा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, तो जब भी कोई हल्दी की चाय बना रहे हैं आप, हल्दी दूध वाला बना रहे हैं, तो उसमें अगर काली मिर्च नहीं होगी तो वो बेनिफिट्स नहीं होंगे जो हल्दी आपको देना चाहती है। बल्कि मैंने भी जो एक इनके साथ शेयर करनी है, एक सुपर पता नहीं की उसका नाम है रखे जो मतलब सुपर बूस्टर के अलावा तौर पर, तो उसमें भी हमने कुछ इसी टाइप का, उसमें भी काली मिर्च का इस्तेमाल, काली मिर्च, क्योंकि जब भी हल्दी इस्तेमाल करेंगे तो काली मिर्च का इस्तेमाल लाजम है इसके साथ। आप इसको कंज्यूम कैसे करना है? इसको बना लेंगे आटे की गोलियां जिस तरह छोटी छोटी बनती हैं, ये बना के स्टोर करके रख लें डेली बेसिस के ऊपर। एक आपने अपनी टेबलेट निकाली, उसको कप में डाला, गर्म पानी डाला और ये आपका एनर्जी बूस्टर है। इतने महंगे कैप्सूल्स बिकते हैं ना अमेरिकन स्टोर्स पे, और जब उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो हाँ, तो अंदर यही चीजें होती हैं। बिल्कुल यही चीजें और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और ये इतना बेहतरीन, खासतौर पे जो कीटो कर रहे हैं ना, मैं उनको कहूंगी कि प्लीज आप कॉफी शॉट्स ना लीजिए। हमारा मौसम ऐसा नहीं है कि हम कॉफी को यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हैं। आजकल तो फिर भी कर सकते हैं, बट नहीं, ये फिर भी नहीं मैं इस पे करूंगी, क्योंकि यहाँ पे खुश्क सर्दी होती है। अच्छा। और खुश सर्दी में जब कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो ब्लीडिंग हो सकती है, चाहे वो यूट्राइन ब्लीडिंग है, नेजल ब्लीडिंग है या फिर पाइल्स की ब्लीडिंग है। तो ऐसे में अगर हल्दी का ये ले लेंगे तो वो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो ज़्यादा okay. हाँ वो मैं इसको लो, अब फिर उसने साखा तो जाना है। नहीं, अभी मैं कर देती हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से करके, कड़वा नहीं होता? नहीं, क्योंकि हम कौन कौन सा ज़्यादा ले रहे हैं इसको, जो एक गोली ली और उसको पानी के साथ निगल लिया। निगलना नहीं है, इसको गोली ली और ये बैठे बैठाए आपका जो आप अभी चाय बना रहे हो, समझो कि ये अभी थोड़ा सा और इसमें हमने इतना सा जो है वो डाल दिया पानी में और गरम गरम उसके ऊपर से पानी डाल दिया। इस तरह की छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और इतनी इतनी, ये बिल्कुल आपके कॉफी शॉट्स जो लेते हो कीटो में, ये वही चीज है, ये इसको डाल के आप जो है एक ग्लास कप पानी का ऊपर डालो, आपका तैयार है और आप डेली बेसिस पे एक लेना शुरू कर दो। अच्छा, और ये फिर क्या करेगा, ये आपकी फैट बर्निंग प्रोसीजर को तेज करता है, ये आपके जोड़ों के दर्द में तकलीफ देता है, डायबिटीज में ये फर्क देता है, तो ये हर घर के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज को ये बेहतर करता है, हर घर में ये होना चाहिए। अमेजिंग। तो अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं अपने टोटके शेयर करूंगी। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में आने का एक ही रीज़न था और वो ये था कि जो कहवा रखा था बॉईल होने के लिए, अब वो हाफ हो गया है। तो ये देखें इसका कितना खूबसूरत गोल्डन ओए है, गिराते 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 डाला है। खैर तो ये जो कावा है इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अनबिलीवेबल हैं। हल्दी, लीमू, अदरक और साथ में शहद हमने एक स्पून पे लगा के आपके सामने रख दिया था। और ये अगर आप पी लें, हाफ कप भी पी लें, मैं एक बात बताऊं, ये अगर आप सुबह और शाम, सुबह उठ के हार मुँह खाली पेट इसको पी लें तो ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। आई हैव ट्राइड इट पर्सनली ऑल्सो, जब मैं अपना वेट कम करने की कोशिश करती हूँ तो ये जो है ये आपके थ्रोट को भी क्लियर रखता है और सारे आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है। और दूध तो हल्दी वाला आपके साथ शेयर किया ही था। अच्छा ये बताइए कि आपकी रेसिपीज हमारे साथ जल्दी से जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको जो मैंने बनाया हल्दी वाली पंजीरी, उसमें मैंने क्या किया, मैंने देसी घी लिए तकरीबन 1 कप, साथ में इसमें इलायची डाली है, साथ में मैंने 4 बूंद डाले हैं, साथ में मैंने इसमें डाला है पीसी हुई जो गिरी थी उसको मैंने कूट लिया, बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, कूट के साथ में वो ऐड किया। उसमें आपने जो सूजी है वो आपने ऐड कर देनी है। सूजी को आपने हल्की आंच में भूनना है, जैसे हम हलवा बनाते हैं हलवे में हम निशानी होती है कि आपने हल्की आंच में उसको पकाना है। उसके बाद मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी और दोनों को मैंने बहुत ही हल्की आँच में पकाया। उसके बाद अगर आप एडिंग करना चाहें तो 4 मगज, साथ में गोंद, साथ में फूल मखाने, साथ में जो बादाम है एक एक आप ले लें पोर्शन वाइज 1 टेबल स्पून। इसको देसी घी में ब्लेंड करके पीस के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 2 नट्स ऐड किया और साथ में इसमें मैंने फ्लेवर दिया हल्दी का। हल्दी को भी मैंने सौते किए नट्स के साथ ही, जो कि मेरे पास गिरी थी और गोंद थी, और उसमें इसको मिक्स किया। बहुत सिंपल और एक 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने ये बनाया पंजीरी का जो मैंने बनाया हल्दी का। अच्छा, हल्दी वाली पंजीरी। विंग्स के लिए बहुत है कि मैंने कॉर्नफ्लोर लिए 1 कप, उसमें मैंने डाला 1/2 कप मैंने मैदा ऐड किया है। उसके बाद मैंने जो मसाले लिए मैंने उसमें हल्दी में पहले इसको मैंने, आप देख सकते हैं कि हल्दी में मैंने इसको बॉइल किया है और इसकी यखनी को आप पी भी सकते हैं सर्दियों के मौसम में नमक डाल के, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद बॉइल करके इसको ठंडा कर देना है मैंने। और उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने उसमें लिए कश्मीरी मिर्च लिए, साथ में नमक लिए, गरम मसाला लिए, हल्दी लिए, साथ में जीरा पाउडर लिए और साबुत जीरा लिए। आपने इसको इतना अच्छी तरह से फेंटना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो सी है वो देखें यूँ होनी चाहिए। इसको फेंटना बहुत अच्छी तरह से, जब आपका बैटर हो जाएगा उसके बाद विंग्स को निकालना है। उस पर मैंने इसकी सॉस बनानी है। आजकल हॉट सॉस है, मैंने इसमें 2-3 सॉसेज ऐड किए, चिली सॉस है, हॉट सॉस है, सराचा सॉस है, इन सब तीनों को मिक्स करके मैंने इसमें हनी के साथ फ्लेवर दूंगी और हनी ही मैं इसको टॉस करूंगी और साथ सेसमी के साथ इसकी गार्निशिंग करूंगी। तो हनी विंग आपकी रेडी हो जाएंगे। तो ये आज की सिंपल सी 2 रेसिपी है। अच्छा गाइस, अब मैं जैसे कि 2 तो मैंने आपके साथ रेसिपीज़ व्यूअर्स शेयर की ही हैं, लेकिन मज़ीद और मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करनी है जल्दी से। एक फेस पैक ग्लोइंग स्किन के लिए, आपको पता है हर बंदा पिटता है कि हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए लेकिन समझ नहीं आती कि क्या करें। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, मतलब वही मेजरमेंट बन जाती है। आपने 1 टीस्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर डाला, उसके बाद फिर आपने 1 टीस्पून जो है वो इसमें शहद का कंबाइन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा बल्कि मैं और डाल देती हूँ। और इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून यानी कि 1/2 टेबल स्पून यानी कि आपने इक्वल अमाउंट में तीनों चीज़ें डालनी हैं, बिल्कुल बराबर अमाउंट में, ठीक है। अच्छा, अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि होता यह है कि हर फेस पैक का तरीका एक नहीं होता, राइट। आई मीन कुछ होते हैं फेस पैक जो आप लगा के सिंपली वॉश ऑफ कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक लेप की तरह जब तैयार हो जाता है तो आपने इसको अपने पूरे फेस और नेक पे, सिर्फ फेस पे नहीं, फेस और नेक पे यानी कि मुंह पे और अपनी आपने गर्दन पे इसको लगा लेना है। दिस इज़ मोर देन इनफ। हम लोग इतना ज़्यादा बना लेते हैं कि फिर उसके बाद वो ज़ाया होता है और हमें फेंकना पड़ जाता है। वैसे तो आप अपने ये हाथों पे और पैरों पे भी लगा सकते हैं, राइट। इट्स जस्ट हल्दी, हनी एंड मिल्क। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वो भी हेल्प करता है। वो आपने अपने फेस एंड नेक पे छोड़ा 15 मिनट के लिए, राइट। ये 15 मिनट के बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से भी नहीं और ठंडे पानी से नहीं, जो नॉर्मल पानी है उससे आपने इसे रिंस ऑफ कर लेना है। दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर टू इट। ये आपकी स्किन को भी क्लियर करेगा, आपके अगर कोई स्किन के अंदर इश्यूज हैं तो उनको भी रिजॉल्व करेगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम एक्नी की बात करें, याद है कल हम बात कर रहे थे कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस हमें पता नहीं चलते। अब एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेसन इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। आपने 1 टेबल स्पून बेसन डाला जो कि 2 टीस्पून के इक्वल होता है। उसमें आपने 1/2 चाय की चम्मच हल्दी डाल दी, ठीक है, और उसके अंदर आपने फिर रोज़ वाटर डाल लिया
हस्बे ज़रूरत, राइट, कि उसको इतना कि वो एक आपके लिए एक पेस्ट सी बन जाए। इसको हमने पेस्ट टाइप ही बनाना है और इसमें फ्यू ड्रॉप्स आपने जाने हैं टी ट्री ऑयल के। एक्नी को फाइट करने के लिए टी ट्री ऑयल जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। मैं 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालती, बट अगर आपने, अगेन यू हैव टू सी कि आपको क्या सूट करता है। इसको हमने मिक्स करना है, पेस्ट फॉर्म में इसको लेके आना है। इसमें मैं उतना रोज़ वाटर डालूंगी जितने की हमें ज़रूरत है, और उसके बाद, और मैं तो अपना रोज़ का टोनर जो है नूर का वही यूज़ करती हूँ जब मुझे रोज़ वाटर की ज़रूरत होती है। एक्चुअली हमारा रोज़ वाटर जो है वो उसी टाइप की ही चीज़ है, हमारा टोनर जो है वो रोज़ वाटर की तरह ही है। थोड़ा सा आपने इतना डाल दिया कि ये आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने इसको अपने मुँह पर, अब इसको यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है फ्रॉम द लास्ट पैक दैट आई टोल्ड यू। ये अब आपकी एक पेस्ट तैयार हो गई थिक सी, ये आपने अपने फेस एंड नेक पर लगा दी, राइट, ये आपने लगा दी और आपने इसको तब तक छोड़ दिया को 20 मिनट के लिए कि ये ड्राई हो जाए। आप अपने घर के दूसरे काम तब तक करते रहें, ये पेस्ट फेस एंड नेक पे। अच्छा, ये जब ड्राई हो गई तो फिर अपने हाथों को रोज़ वाटर से गीला करके ना ऐसे 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 करके जेंटली, रगड़ना नहीं है मुँह के, जेंटली आपने, जिस तरह हवा में नहीं हाथ चल रहा था, जेंटली अपने फेस को और नेक को और इन सब चीज़ों को हमने रब करना है। बहुत ही सिंपल, बेसन हल्दी रोज़ वाटर को आपने डाला, टी ट्री ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाले। It's a very easy desi totka and it really really helps. Once a week, जिनकी acne prone skin है अगर वो इसको use कर लेते हैं तो बड़ा useful होता है। अच्छा, अभी मासूमा जी अगर आप भी मेरे पास आ जाएँ तो ये जो आपने एक booster बताया ना seasonal allergies के लिए, तो उसके लिए मेरे पास जो एक टिप है या ट्रिक है वो बेसिकली ये है कि हम अगर 3 tablespoons जो हैं ग्राउंड टर्मरिक को डाल दें, राइट, 3 टेबलस्पून हमने ये डाल दिए, इसके अंदर हम आधा कप शहद का डाल दें, तो बल्कि इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ क्योंकि इतना ही मेरे पास अबाउट शहद है, राइट, सो हाफ कप शहद के अंदर आपने ये डाल दिया। इसके अंदर आपने 1/4 कप एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, राइट, सो अबाउट दैट मच एप्पल साइडर विनेगर आपने इसमें डाल दिया। उसके अंदर आपने 1/4 चम्मच हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो आपने डाल दिया, और उसके अंदर आपने फिर वही जो आप कह रही थी काली मिर्च, बट घर की कुटी हुई काली मिर्च, प्लीज़ गाइस, ये आपने 1/8 चम्मच डालना है, राइट, ये डाल दिया। और ये वही जो आप बूस्टर कह रही हैं ना, इम्यूनिटी बूस्टर, इसका एक अल्टरनेटिव। तो ये एक इस तरह से थिक सी पेस्ट ही बन जाती है जैसे कि आपने बताया था, और इसको भी अगर हम जार में डाल के रख लें, बिल्कुल बिल्कुल, और ये मिक्सचर एप्पल साइडर विनेगर के साथ, अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, इसमें अगर आप लहसुन की तोरियाँ डाल दें तो ये बेस्ट हार्ट टॉनिक भी बन जाता है। तो ये हार्ट टॉनिक भी बन जाता है। अब ये आप देखें कि ये इस तरह करके, तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी बहुत, 1 टीस्पून, वैसे तो बाय इटसेल्फ लेना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा, 1 टीस्पून अगर आपने वार्म वाटर के अंदर इसको डाल दिया, उबलता गर्म होना ज़रूरी नहीं है, तो ये आपके लिए, अगर हम इसे कहें कि आपकी सीजनल एलर्जीज के लिए एक सुपर बूस्टर है, जैसे कि आपने गोलियों का बताया, गोलियां तो बेस्ट है, अगर आप उस तरह से बना के रख लें एक एक बॉक्स के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, तो जार में बना के रख लें और फिर इसको इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पास वो बहाना नहीं रहता ना, कौन बनाए कौन करे, ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि जी औरत, खासतौर पर फीमेल्स जितने हमारे, बट हम एक लाइव शो में खड़े होकर आपको बना के दिखा रहे हैं व्यूअर्स, आपको लाइव शो में खड़े होके ये भी बनाना सिखा दिया, ये भी, मतलब 3 आपके सामने टिप्स शेयर की। क्या यहाँ पे मैं बात करूंगी, खवातीन जो है ना वो ज्यादातर अपने लिए वक्त निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये तो ऐसे में अगर किचन में बनी हुई कोई चीज पड़ी है, बस करी डाली और अपना काम भी करते रहे, तो वही कह रही हूँ ना कि ये आपने बनाया अपने मुंह पे लगा लिया, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्क्रीन है या वो पैक लगा लिया, और उस दौरान आपने ये तैयार करके बोतल में डाल दिया, जब तक आप अपनी सब चीजों से फ्री होंगे, अपने फेस को साफ कर लिया, आपका फेस पैक भी हो गया और वो भी हो गया। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे साइमा जी से कुछ और टिप्स हैं, कोई एक इंटरेस्टिंग सी कॉफी है जो जिसमें हल्दी भी डलती है, अब ये क्या है, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम लोग अपनी कॉफी का नाम रख रहे थे मिलजुल के। अच्छा, लेकिन पहले कॉफी से बात, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉफी कहते हैं कि पियो तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, अभी डॉक्टर मासूमा ने भी ये बात शेयर की, तो कॉफी का के बारे में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट क्या फीडबैक है आपकी?
कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है अगर इत्तेदाल के साथ ली जाएगी। ग्लूटाथायोन को लेके हम लोग कितने परेशान रहते हैं, हमने उसको एसोसिएट किया हुआ है विद स्किन वाइटनिंग, वो स्किन ग्लो और एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा, और कॉफ़ी उसमें हेल्प करती है, ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अभी हम सुबह से बात कर रहे हैं स्किन ग्लो की, तो कॉफ़ी कहीं ना कहीं स्किन पे ग्लो लेकर आती है। एंटीऑक्सीडेंट बीमारियों से बचाने का बहुत अच्छा सोर्स है, एंटी एजिंग है, लेकिन अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये डायूरेटिक है, इसको पी के यूरिन ज़्यादा आएगा। जी, और उससे होगा ये कि आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़, कॉफ़ी को देखें, मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि हमारे मुल्क में लोग जो है ना एक चीज़ पर एक डगर, बल्कि हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में मैंने देखा है, एक डगर लगते हैं तो निकल ही पड़ते हैं उस तरफ। सो प्लीज गाइस, थोड़ा सा बैलेंस के साथ चीजों को लेके चला करें। एंड कॉफी का एक कप या दो कप दिन में इज नॉट अ हार्मफुल थिंग, बट अगर आप 10 कप दिन में काली कॉफी के पिएंगे ये सोच के कि आप पतले हो जाएंगे, तो जो चीज आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग इफेक्ट देगी वो उसको उल्टा डिहाइड्रेट करेगी। बट कॉफी को हम एक सुपर कॉफी कैसे बना सकते हैं? इट्स बेसिकली टर्मरिक लाते, ठीक है। अच्छा, अब कॉफी जिन्हें पीनी है, जिन्हें पसंद भी है, और वेट लॉस के लिए स्पेशली उठते ही जो एक ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, सो काइंडली वो ना पिए, वो डायरेक्टली आपके लिवर को इफ़ेक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देती है। तो कॉफ़ी ये वाला आपका वेट लॉस भी करेगी, एनर्जी बूस्टर भी है, जो आपको एनर्जी चाहिए भी होती है सुबह उठते ही, जिनको आदत है कॉफ़ी की वो अपनी थोड़ी सी अगर उसमें चेंजेस कर लेंगे, लिटिल बिट चेंजेस हैं, और वो उनका एक बड़ा अच्छा बेनिफिशियल ड्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने गरम पानी जो है वो पैन में डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो पाउडर फॉर्म यूज कर लीजिए, क्योंकि इनको थोड़ी सी शक्ल भी देखें, तो हम इसमें डाल लेते हैं। बट आपने ऑब्वियसली अपने मग में आपने एक कप लिया, और उसमें आपने, मैं पाउडर्स कम यूज करती हूँ क्योंकि अगर ओरिजिन घर में पीस लूँ तो अलग बात है। सिनेमन स्टिक्स, आप छोटी सी दालचीनी वो उसमें आपने ऐड कर ली, और दालचीनी और कॉफी का कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का, 1/4 जो टीस्पून है वो आपने टर्मरिक का ऐड ऑन कर लिया, और उसमें आपने जिसको जितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए है, 1/4 बहुत इनफ होता है, बहरहाल जिनको ज़्यादा है तो वो 1/2 टीस्पून तक डाल सकते हैं, इसको आपने बॉईल कर लेना। ठीक है, जब बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको हनी ले लीजिए, एंड 1/2 टीस्पून हनी ऐड करके, ठीक है, और आप ये कॉफ़ी इंजॉय करें, आपको टेस्ट इतना इसका मज़े का लगेगा, वो टिपिकल ब्लैक कॉफ़ी से थोड़ा इसका मज़े का ही मज़े का आएगा। और आप 2-3 कप भी अगर हर मील से पहले ले लेते हैं, रात को सोने से पहले लेते थे, सुबह उठते ही ले लेते हैं, तो ये आपका वेट लॉस बड़ी जल्दी करता है। बट हर कप कॉफ़ी के, मतलब हर एक टीस्पून जो है कॉफ़ी का, उसके साथ अगर आप 2 ग्लास पानी पी लेते हैं कॉम्बिनेशन में, तो आप डिहाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। ठीक है, ऑसम। और सेकंड चीज़, अब देखिए ना, ये तो एक हो गई हमारी एक तरह की जो लाते, आपने कहा ना कि मतलब ऑब्वियसली इसमें दूध डालेंगे तो वो लाते बन जाएगा, बट जैसे कि आप अक्सर कहती है कि दूध का इस्तेमाल एक सर्टन एज के बाद एक्चुअली गैर ज़रूरी हो जाता है, दही का इस्तेमाल कर लें, क्रीम का भी इस्तेमाल कर लें, चीज़ कर लें, तो दूध से बनी हुई अशिया ज़रूर यूज़ कर लिया करें। अच्छा, डार्क सर्कल्स, हल्कों के बारे में हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, और पफी आइज, एक तो हल्के पड़ जाते हैं काले काले और आँखें सूज जाती हैं। देखिए, डार्क सर्कल खाली कभी भी, मैं इवन मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सब कुछ वो है, लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ डार्क सर्कल्स कभी भी खाली चीज़ें लगाने से ठीक नहीं होते हैं, आपके लाइफस्टाइल से होते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होती है उसमें, भले वो आप हाथों से उसको करते रहें तब भी अच्छा है, हाफ हेड स्टैंड कर लें दिन में 5-7 मिनट, दैट्स रियली गुड फॉर दैट, मतलब वो दिनों में जाते हैं, तो दिस इज़ लाइक आपका ये 30-40% आई पैक आपका इफेक्ट करता है फॉर पफी आइज, फॉर आपके डार्क सर्कल्स के लिए, दोनों चीज़ों में काम करता है। तो इस पे हम लोग लेंगे योगर्ट, दही डालेंगे एक 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ले लीजिए, और ये अब बेचारा काला हो गया, काफ़ी देर से निकाला हुआ है, ये आलू का जूस आप निकाल लें, ठीक है, 1 टीस्पून, ठीक है, राइट, और उसके बाद आप इसमें डालेंगे बेसन, सही, 1 चम्मच, हल्दी कितनी, हल्दी 1/4 टीस्पून,
आपने डाली थी, आपको पता है मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। एग्जैक्टली। एंड देन अगेन वन पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। और ये आपने अब लगाना कैसे है? ये आपने लगाना है अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, जिन लोगों की वैसे तो जो मैंने ये डाला इसलिए क्योंकि ये एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है आई अंडर आई ऊपर का। मैं तो अपने लिए बना रही हूँ क्रीम डाल। हाँ तो फिर आप क्रीम डाल लें क्योंकि मेरी आंखें तो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। जिनके ड्राई हैं वो ज़रूर क्रीम ऐड करें। तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी और ऐड कर लें। ये और ये आपका एक आई पैक बन गया फॉर पफी आई। और ये वीक में आप 3 times भी यूज़ कर सकते हैं। और कितनी देर? 20 minutes के लिए। हाँ बस ठीक है। अमेजिंग। तो अब थैंक यू सो मच। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारी तो टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं खत्म होंगी अगर हमने करनी है। क्योंकि हल्दी की बात करें और शहद की बात करें, हम सिर्फ हल्दी के ऊपर भी शो करते हैं तो हमने 4 दिन तक करते रहना था, हमारा शो नहीं खत्म होना था। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक टू द ब्रेक व्यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज का हमने अपना प्रोग्राम डेडिकेट किया किंग ऑफ स्पाइसेस टर्मरिक को एंड किंग ऑफ मीठा शहद को। तो गुफ्तगू को क्लोज करते हुए मासूमा जी क्या कहना चाहेंगी? एज एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। देखिए ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में स्मॉग में जितनी रेसिपीज बताई हैं अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए आप ये देख लीजिए, हमने सब कुछ बताया मुख्तलिफ चीज़ें खाने पीने की दूध की शक्ल में। अब ये कोई ना कर ले कि सारी ही चीज़ें एक ही दफ़ा लेने शुरू कर दे। और दूसरी तो बात अगर दूध नहीं सूट करता तो देन डोंट टेक दूध। हाँ, ना दूध ना ले, जिसको दूध सूट नहीं करता वो दूध ना ले, जिसको सूट करता है वो ले ले। जैसे कि चाय ले लीजिए जो हमने बताया, मैंने कहा कि मैंने खुद टिप्स बताई है लीमू से रिलेटेड, लेकिन लीमू लगाने में मुझे नहीं सूट करता। तो अब मुझे पता है कि नहीं सूट करता, तो अगर किसी टोटके में नींबू एडेड है तो वो फिर आपके लिए नहीं सूटेबल। सबसे बड़ी बात आपने तो इतना अच्छा किया ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ जो आपको टीवी पे YouTube पे इर्द गिर्द चैनल्स के ऊपर मीडिया में दिखाया जाता है वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं दे रहे कि हर चीज़ आप लगा लो। इट्स शुड बी मॉनिटर्ड कि आप अपनी बॉडी टाइप के अगेंस्ट देखते हुए उस चीज़ का इस्तेमाल करो ताकि उसका नुकसान ना हो। अच्छा, हल्दी और शहद के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी तो है ना। चाइनीज मेडिसिन की भी क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे बताएं कि चाइनीज मेडिसिन में कितना को इस्तेमाल होता है हल्दी या शहद? देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हूँ, हमारी यूनानी तिब की मेरे FTJ हूँ, देन चाइनीज कान इधर से पकड़े या उधर से पकते हैं, बात हर्ब्स की हो रही है। और हल्दी हर मौसम में हर कंट्री के ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और जिंजर भी एज इट इज़। हाँ। बल्कि जिंजर की मुख्तलिफ किस्में हैं हमारी चाइनीज, उसके अंदर जिंजर रूट्स की मुख्तलिफ किस्में हैं जो इस्तेमाल। भाई आगे जाके लहसुन और अदरक पे भी मैं डेफिनेटली प्रोग्राम करना चाहती हूँ क्योंकि ये भी वो दो चीज़ें हैं आपको पता है सहमा जी जो बहुत इस्तेमाल होती हैं। अदरक पे तो ऑब्वियसली आप किसी भी हर्ब को ले लीजिए, जुगन आप जब उस पर बात करते हैं तो जिनका नॉलेज है जिनको पता है वो जानते हैं इतनी डिटेल्स हैं उनके अंदर, और अल्लाह ताला ने एक एक हर्ब में इतनी सलाहियतें रखी हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। बिल्कुल। एंड फाइनली डॉक्टर साहिबा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी हल्दी का अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यही कर्क्यूमिन गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह बन जाएगा। मैक्सिमम हल्दी का इस्तेमाल 2 to 3 tablespoons खाने में होना चाहिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल पाइल्स की बड़ी वजह बनता है, गैस्ट्रिक इश्यूज की बड़ी वजह बन जाता है। शहद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वेट लॉस की बजाय वेट गेन करा देगा। शहद बहुत अच्छा है और पेट चल जाता है आपका, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल, तो एक्सेस में इस्तेमाल ना करें। 2 to 3 tablespoons दोनों चीज़ों के बहुत अहम है। बिल्कुल। एंड व्यूअर्स फाइनली एक नज़र मैं किचन में इसे डालना चाहूँगी क्योंकि हमने आपके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर की हैं इन द किचन ऑल्सो। एक तो हमारी रेसिपीज़ भी थी जो आपने देखी, जीरी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बात की, जैसे उन्होंने कहा ना मुझे, मैं इसलिए किचन में उठ के आई हूँ अनप्लान्ड, बिकॉज होता ही है व्यूअर्स कि जब पंजीरी का आई रिमेंबर मैं हमजा को एक्सपेक्ट कर रही थी, हमजा हुआ आफ्टर द बेबी मेरे शायद कोई 5 या 6 pounds किलो भी नहीं, 5 या 6 pounds एक्स्ट्रा थे। किसी ने कहा कि तुम बच्चे को फीड कराती हो, ऐसा करो पंजीरी डेली खाया करो। मैंने ये नहीं पूछा कि कितना खाना है, मैं डेली एक पूरी इतनी कौली भर के पंजीरी खाना शुरू हो गई। हर रोज एक इतना बोल भरा हुआ पंजीरी से खाना शुरू हो गई। हुआ ये कि बाय द टाइम हमजा साहब साल के हुए
जोगन काजम जो हैं वो कोई 20 किलो अपने वजन से ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि वो पुराने 5-6 पाउंड बेबी के बाद के, और साथ में 20 किलो और वजन चढ़ा लिया। तो व्यूअर्स, मयाना रवि, बैलेंस, 1 टेबलस्पून इट्स एनफ, इट्स एनफ, मोर देन एनफ। और उसके साथ साथ आफ्टर अ बेबी या किसी भी खुदा ना खास्ता इंजरी या इशू के बाद, ये जो हमने आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग गोल्डन ड्रिंक आपके लिए तैयार किया, गोल्डन मिल्क तैयार किया है, ये बहुत अमेजिंग है। अच्छा, कहवे की जब हम बात कर रहे थे, वेट लॉस की भी बात कर रहे थे, तो ये जो हमने एक अदरक और पानी और हल्दी और शहद की एक कॉम्बिनेशन क्रिएट की, और कोविड में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है, हर घर में इसको यूज़ भी किया है। बिल्कुल। एंड आपकी जो ये विंग्स हैं, अच्छा विंग्स भी हमारे तैयार हो गए। सो व्यूअर्स, ये हमारा कुछ आज का प्रोग्राम था, एक कॉम्पिलेशन थी, हमारी कोशिश थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम को करें, कोई ऐसा टॉपिक, कल भी हमने कुछ एक ऐसी चीज़ की है जिस एक ऐसी ऐप है जिसके बारे में हम बहुत सी बातें सुन रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो यूज़ कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो कहते हैं अच्छा इसका अगर हम हिस्सा बने तो हम कैसे बन सकते हैं, ये एक मैं आपको टीज़र दे रही हूँ, इंशाल्लाह कल आपको हम उससे रिलेटेड भी बताएंगे। जिस चीज़ के बारे में आपका इंटरेस्ट है, हमारे मॉर्निंग शो का रीज़न और पर्सपेक्टिव ही ये है कि हम वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करें जो आपको नॉलेज भी देती हैं, जिनसे आपको बेनिफिट भी हो। हल्ला गुल्ला म्यूज़िक तो हम करते ही रहते हैं। वैसे भी शादियों का सीज़न है, जो आपने इतने अच्छे पैक्स बनाने बताए, तो मेरा ख्याल है कि जो लड़कियाँ देख रही हैं वो ज़रूर उसको ट्राई करें फ़ौरन। बड़ा ज़बरदस्त आपने आज दिए चीज़ें। और उसके साथ याद रखें कि आप कुछ भी अपनी स्किन पर लगा लें, कुछ भी आप ऊपर से लगा लें, जब तक अंदर से आप अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करेंगे, बिल्कुल उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो अपनी इंटरनल हेल्थ को ठीक करें, कोते मतावियत को स्ट्रॉन्ग करें, निज़ाम हज़म को बेहतर करें, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें, ताकि जब आप पैक्स और ये बाकी सब चीज़ें भी लगाएं तो आपको कंबाइंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मासूमा जी का, रायमा जी का, ऑफकोर्स हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर आयशा का, एंड थैंक यू सो मच टू शेफ मुनीरा एज वेल। व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू, जिंदगी ये तो कल मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।